मैं पुरानी जिंदगी भूल चुकी हूँ। ये जो आपका अंदर वाला कमरा है ना, ये मैंने रेंट पे लिया है। दिल्ली की लाइफ कितनी अमेजिंग है ना, आई मीन फुल आजादी। ये मत बोलना कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये मैडम की कुंडली तो निकालनी पड़ेगी। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो आयुष, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। पिछले 2 घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ पार्टी में जाने के लिए, और तुमने मेरे फोन कॉल तक नहीं उठाया, और अब एक्सक्यूजेस दे रहे हो मुझे। गुंजन मेरी बात समझने की कोशिश करो। अरे बोल रहा हूँ मैं मीटिंग में था, कैसे उठाता फोन? सब कुछ मैं ही समझू। हाँ तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, तुम्हारे लिए तो बस ऑफिस, फ्रेंड्स, मीटिंग, यही सब इम्पोर्टेंट है। मैं क्या, एक मामूली सी गर्लफ्रेंड और क्या है ना? बकवास मत करो अपनी, समझी? अरे बोल रहा हूँ मीटिंग में था बॉस के साथ, मैं क्या बोलता बॉस को अपने कि मेरी गर्लफ्रेंड इंतजार कर रही है घर पर, पार्टी में जाना है, ये बोलता मैं? और कल मुझे नौकरी से निकाल देता तो फिर तुम्हें अच्छा लगता ना? तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो आयुष, तुम्हें मेरी बातें अब बकवास लगने लगी है? तो ठीक है ना फिर, मेरी जब यह जरूरत ही नहीं है तो मैं जी के क्या करूं? एक काम करती हूँ, खत्म कर लेती हूँ खुद को। ए, गुंजन बंद करो ये सब ड्रामा, क्यों कर रही हो? गुंजन अरे I'm sorry, प्लीज मुझसे गलती हो गई, वो मैं गुस्से में आके ऐसे बोल दिया। देखो मैं कान पकड़कर माफी मांगता हूँ। तुम जानती हो मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, तुमसे कितना प्यार करता हूँ मैं। अरे मेरी कुछ मजबूरियां थी इसलिए मैं नहीं आ पाया। एक काम करते हैं, हम लोग ना घर पर पार्टी करते हैं, मैं खाना और वाइन ऑर्डर करता हूँ, ठीक है? हम दोनों साथ में पार्टी करेंगे, प्लीज अब रोना बंद करो। Thank you.
चलता हूँ, कोशिश करूंगा शाम को जल्दी आने की, अगर कोई मीटिंग नहीं रही तो। ओके चल बाय। तुम्हारी वॉलेट आज फिर भूल गए ना, पता था मुझे, लेने आओगे वापस। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये आदमी कौन था जो अभी गया? आदमी? अच्छा वो कोई मार्केटिंग कंपनी से था, घटिया सी स्कीम बेच रहा, भगा दिया मैंने उसे। अच्छा किया, चलो बाय। तुम्हें लेने आया हूं, प्लीज चलो मेरे साथ। प्लीज चलो। अरे छोड़ो, तुम्हारे साथ आऊंगी मैं, तुमने सोच भी कैसे लिया? हमारे बीच जो भी था वो खत्म हो चुका है, समझे? जाओ यहां से। गुंजन तुम्हारा गुस्सा जायज, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। प्लीज प्लीज चलो मेरे साथ, चलो यहां से। छोड़ो मुझे, इससे पहले कि आयुष यहां आ जाए, प्लीज जाओ। वो आयुष इतना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए? मैं कुछ नहीं, मेरी कोई फिक्र नहीं तुम्हें। प्लीज गुंजन प्लीज चलो मेरे साथ, प्लीज चलो यहां से। छोड़ो, हाँ नहीं हो इंपॉर्टेंट, और इसके लिए भी जिम्मेदार तुम खुद हो, समझे? देखो मैं पुरानी जिंदगी भूल चुकी हूँ, ठीक है? और अच्छा होगा कि तुम भी भूल जाओ। कैसे भूल जाओ कैसे भूल जाओ मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चलो यहां से, प्लीज चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे, तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। रुको, हेलो, हाँ मैं आता हूं। अभी तो मैं जा रहा हूं, मैं फिर आऊंगा, बस एक बार ठंडे दिमाग से सोचना जाने के बारे में, प्लीज। मुझे कुछ नहीं सोचना है, समझे? और अब जाओ यहां से, जाओ। गुंजन ठीक तो हो तुम? क्या हुआ तबीयत को? कुछ नहीं, बस सर में दर्द है थोड़ा। तो दवा लिया? ऐसे बैठने से थोड़ी ठीक होगा। अब पेन किलर ली है मैंने, डोंट वरी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊं? अब तुम बैठो, मैं देखता हूं। हाय आयुष, राइट? जी, आप कौन? हर
घर तो ठीक ही है, पता नहीं रूम कैसा होगा। ओ हेलो, कौन हो तुम, कहाँ चली आई? हेलो आंटी, एक्चुअली मेरा नाम श्रुति है। शायद आपको है ना लैंडलॉर्ड ने बताया नहीं, ये जो आपका अंधेरे वाला कमरा है ना, ये मैंने रेंट पे लिया है। हाँ कमरा, और आंटी किसे बोल रही है? चल निकल यहाँ से, निकल। एक मिनट गुंजित, मैं बात करता हूँ ना। देखिए आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये पूरा घर हमने किराए पे लिया है, तो मेरे लैंडलॉर्ड कैसे आपको रूम दे सकते हैं? ये तो आप उन्हीं से पूछ लीजिए। हाँ जरूर पूछूंगा, एक मिनट। हेलो, सॉरी आंटी बोलने के लिए, आई होप यू डोंट माइंड, है ना? क्या हुआ, क्या बोला? अरे बोल रहा है बहुत अर्जेंट था इसलिए रूम दे दिया, ये उनकी बहुत खास है, सिर्फ एक हफ्ते की बात है ये चली जाएगी। और हाँ उसने ये भी कहा है कि वो हमसे इस महीने का सिर्फ आधा किराया लेगा। मैंने भी कहा जाने दो, क्या करें। ठीक है ना, इतना अर्जेंट है तो आधा क्यों, पूरा ही माफ करेगा ना रेंट। करती हूँ मैं बात उससे, मुझे ना आराम से। आई विश इफ यू डोंट माइंड, तुम मेरा लगेज अंदर पहुंचवा सकते हो प्लीज? जी आइए। या फोन, अरे आयुष, ये रहा आपका सामान। ओके थैंक यू। यू वेलकम। वैसे अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मेड वगैरह? अब कुछ नहीं मिलेगा, आपको अपना काम खुद ही करना होगा। और हाँ गुंजन से दूर रहना, वो बहुत गुस्सैल है। हाँ वो तो मैंने देखा, वैसे वो तुम्हारी? मेरी गर्लफ्रेंड है। ओ काफी इंटरेस्टिंग चॉइस है तुम्हारी। हाँ ठीक है, ओके। आयुष मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, लगभग 10,000। और क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब है, वजह देनी पड़ेगी तभी मिलेंगे पैसे। अरे मेरा वो मतलब नहीं है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी सैलरी आने में एक हफ्ता बाकी है और अकाउंट में पैसे है नहीं। मुझे कुछ नहीं पता आयुष, मुझे बस पैसे चाहिए। ओके बाबा मिल जाएंगे पैसे तुम्हें, खुश? मुझे पता था तुम मना नहीं। वैसे ये श्रुति का क्या सीन है, कुछ बताया उसने? कहाँ से है, क्या करती है? कुछ पता नहीं, मेरी उतनी बात ही नहीं हुई अभी तक उससे। अच्छा है बात नहीं हुई, अच्छा है। वैसे भी ये लड़की मुझे गड़बड़ लगती है, दूर ही रहो। तुम्हारी तो बेकार में आदत है शक करने की, अगर कुछ गड़बड़ हुई भी तो हमें क्या मतलब, एक हफ्ते में चली जाएगी खुद ब खुद। हाय हाय हाय, यू नो उस दिन जो हुआ उसके लिए रियली सॉरी। आज एक नई शुरुआत करते हैं। सो आप लोगों को मेरा नाम तो पता ही है, मैं मेरठ से हूँ और यहाँ पर जॉब ढूंढ रही हूँ। मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ और गुंजन भी उसी में काम करती थी, लेकिन अभी ये जॉब छोड़ रखी है। तो आयुष तुम दिल्ली से ही हो? नहीं नहीं मैं हापुड़ से हूँ, अब चूंकि 10 साल से यहाँ दिल्ली में हूँ, पढ़ाई भी यहीं से किया तो जॉब भी यहीं पे कर रहा हूँ, बाकी फैमिली लोग हापुड़ में हैं। वैसे फैमिली के नाम पे सिर्फ चाचा और चाची ही हैं और उनके बच्चे, और हापुड़ में ही रहते हैं वो। तुम बताओ? मेरी फैमिली में तो सब है, मॉम डैड भाई, और यू नो थोड़े से ऑर्थोडॉक्स है, बट आई रियली लव देम। वैसे
दिल्ली की लाइफ कितनी अमेजिंग है ना, आई मीन फुल आजादी, जो चाहे करो, लिव इन में रहो, यू नो, किसी के साथ भी रहो, कुछ भी करो, कोई रोक टोक नहीं। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हारे घर वालों ने बहुत ही पाबंदी में रखा है तुम्हें, am I right? हाँ यार, मतलब सीरियसली, पर यू नो, अब ऐसा लगने लगा है ना कि मैं भी आजाद हूँ। सही है ना, अब इतनी फ्रीडम मिली है तो उसे एंजॉय करो, यूटिलाइज करो, अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ बुला लो। अब ये मत बोलना कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। यार अब मैं तुम्हारी जितनी लकी कहाँ है ना, पर अब ऐसा लगने लगा है ना कि मुझे भी बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। आयुष मेरा हो गया, मैं चलती हूँ। हाँ अरे थोड़ी देर बैठो ना प्लीज। नहीं नहीं मुझे नींद आ रही है। तुम बैठो ना, वैसे कंपनी बुरी नहीं है। रुको मैं भी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? एक बात बताओ तुम मुझे, तुम अपनी गर्लफ्रेंड से इतना डरते क्यों? आई मीन तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही है ना वो, या फिर तुम गुलामी कर रहे हो उसकी? अरे यार मैं डरता नहीं हूँ, बस मैं ये सोचता हूँ कि कहीं उसे बुरा ना लग जाए। छोड़ो, लेट्स एंजॉय, चीयर्स। कमीना, हंस हंस के बातें कर रहा था, को तुम्हें सुबह देखूंगी। पागल हो क्या? जाओ यार। कुंजन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, प्लीज तुम्हें नहीं जा रहा, मत जाओ मेरे साथ, लेकिन मुझे खुद से दूर मत कर, मैं मर जाऊंगा, प्लीज प्लीज मैं मर जाऊंगा कुंजन, मैं मर जाऊंगा, मुझे खुद से अलग मत कर प्लीज। जितिन, जितिन, उठो, उठो। क्या हुआ? आयुष है दरवाजे पे। तो क्या हुआ? उठो, निकलो जल्दी। मैं कहीं जाऊं? उठो। निकलो जल्दी। दो मिनट। क्या यार तुम रात को दरवाजा बंद करके सो गई? मैंने कितना नॉक किया रात को। क्यों, श्रुति के साथ नहीं सोए? ओह गॉड, मेरी रात की उतरी नहीं लगता है। अच्छा अच्छा, मजाक कर रही थी, आओ। नहीं मैं जा रहा हूँ वर्कआउट करने, फटाफट नाश्ता तैयार कर दो मेरे लिए। चल ठीक है, बना देती हूँ।
अरे तुम कब आई? बस अभी तुम्हारा वर्कआउट देख रही थी. आई मीन क्वाइट इम्प्रेसिव. हाँ, काफी अच्छी बॉडी बनाई है तुमने. थैंक यू. अब मुझे भी कुछ टिप्स दो ना. आई मीन मुझे तो बस एक दो एक्सरसाइज ही आती है. हाँ हाँ, क्यों नहीं. लेकिन तुम्हारा गोल क्या है? मुझे ना बस बेली फैट कम करना है. ओके, बहुत सिंपल है. पहले थोड़ा वार्म अप कर लो. अब वार्म अप तो मैंने कर लिया. मैं बस अभी जॉगिंग करके आ रही हूँ. अब मुझे बस बेली फैट कम करना है, तो उसके लिए वर्कआउट बता दो. ओके ओके, एक काम करो, वो मैट लेके आओ. ओके. अब बताओ क्या करना है? अपने बॉडी के वेट को पूरा हाथों पर रखना है. ओके ओके ओके. देखो मैं दिखाता हूं. लाइक दिस. एक मिनट तक ऐसे होल्ड किए रखना है. ओके ठीक है. आई ट्राई. ओके ऐसे ना. नो 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 नो, ऐसे नहीं. मैं बताता हूं. ये थोड़ा सा डाउन करो. बाय. आयुष, वेट 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 वेट. अरे चलो 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 चलो, मुझे ना आगे तक छोड़ दोगे प्लीज? मुझे इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है. यहाँ से ऑर्डर नहीं मिलती. अरे श्रुति, लेकिन मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ. लड़की को लिफ्ट देने से मना कर रहे हो? नहीं, वैसी बात नहीं है. तो फिर चलो चलो, लेट हो रहा है मुझे. ये मैडम की कुंडली तो निकालनी पड़ेगी. अरे वो सब ठीक है, लेकिन काम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है. तो तुम ये फालतू की बातें छोड़ो और जिस मकसद से वहां गई हो उस पर ध्यान दो. ठीक है, रखता हूं. श्रुति फ्रॉम मेरठ. जितिन, तुम फिर से यहाँ आ गए? ऐसे क्यों बोल रही हो? देखो जितिन, कल रात जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ. मैं नशे में थी और तुमने मेरा फायदा उठाया. फायदा उठाया? तो कैसी बात कर रही हो तुम? ये सब उस आयुष की संगत का असर है. देखो तुम मेरे साथ ही खुश रह सकती हो. प्लीज चलो यहाँ से. अपनी बकवास बंद करो, समझे? और एक बात अच्छे से समझ लो, मैं आयुष को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली. इसलिए भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ो और जीने दो मुझे. अच्छा ठीक है ठीक है, तुम नहीं जाना चाहती हो ना तो मत जाओ, पर मुझे यहाँ आने से मत रोको प्लीज. देखो अगर आयुष को ये सब पता चला ना तो बेमतलब का ड्रामा हो जाएगा. तुम प्लीज जाओ यहाँ से. ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन शाम को फिर आऊंगा. कोई जरूरत नहीं है आने की, समझे? जाओ. मुंजन, ये जितिन क्यों आया था यहां पर? वो मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे. जितिन क्यों आया था यहां पर? लेने आया था मुझे, कह रहा था मेरे साथ चलो, पर मैंने मना कर दिया. समझ में नहीं आता मैं क्या करूं. हर दूसरे दिन चल आता है, परेशान हो गई हूं मैं. कैसे पीछा छुड़ाऊं समझ में नहीं आ रहा. तुम फिक्र मत करो, इस जितेन को तो मैं समझाऊंगा अच्छे से. वो भी ये
आपका काम हो जाएगा। अरे आप टेंशन मत लो, बस ले तेरी हिम्मत कैसे मेरे घर में कदम रखने की। तो एक लैला ने मजनू को भेजा मुझे धमकी देने के लिए। देख धमका नहीं रहा हूँ, तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, दूर रह मेरी गुंजन से। मेरी गुंजन? बोल तो ऐसे रहा जैसे तेरी बीवी है वो। एक बात याद रखना, उससे अधिक हक मेरा है उसको। ताले वो कोई प्रॉपर्टी नहीं है तेरी जो तू हक जमा रहा है। और रही बात शादी की ना, तो हम दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन आइंदा अगर उसके आस पास भटका ना तो तेरी जान ले लूंगा मैं। क्या तूने सही नहीं किया पूछा? साला समझता क्या अपने आप को? क्या हुआ, क्या कहा उसने? अरे कहेगा क्या, समझा दिया हूं अच्छे से उसे, अब दोबारा कभी दिखेगा नहीं यहां पर। मैं उसे जानती हूँ, वो इतने आसानी से नहीं मानेगा। अच्छा, अगर इस बार नहीं माना तो सीधा हॉस्पिटल जाएगा वो। वो तो तुम्हारे कहने पे नरमी से पेश आ रहा था, ये तो हड्डियां तोड़ दिया होता उसकी। खैर वो समझाने तो बहुत हो गया, मेरा सर दर्द हो रहा है, प्लीज मेरे लिए कॉफी बना दो। मैं अभी लाई। हाय, कैसा था इंटरव्यू? यार बहुत ही बुरा सच में। क्यों, ऐसा क्या हुआ? यार तुम्हें पता है कितना कमीना था वो मैनेजर, मतलब 50 साल की एज में उसको अय्याशी सूझ रही थी, और इंटरव्यू लेने के बजाय मुझे फ्लर्ट करने लगा। बोलता है कि तुम्हारी नौकरी तो पक्की है, लेकिन तुम्हें एक फाइनल इंटरव्यू के लिए ना रात को होटल में आना पड़ेगा। सोचो। फिर तुमने क्या बोला? और मैंने उससे कहा कि देखो आप ना मेरे पापा के एज के हो, लिटरली आप तो मेरे पापा जैसे ही हुए ना। It was so stupid. अरे क्या हुआ गुंजन? गुंजन हो गया तेरा, चल निकल अब यहाँ से। गुंजन ये क्या कर रही हो, हम सिर्फ बातें कर रहे थे। तुम चुप रहो आयुष, तुम्हें कुछ नहीं पता है, मुझे लैंडलॉर्ड ने तेरी सारी असलियत बता दी है, समझी? तो अब तेरा खेल खत्म, निकल और सुकेश को जाके बता देना कि अपनी ये घटिया हरकतें बंद कर दे, क्योंकि अगर फिर से करने की कोशिश की ना तो उसके लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुझे तो ना मैं देख लूंगी। आयुष क्या हुआ, परेशान शांत से हो? कहीं श्रुति के जाने का गम तो नहीं बना रहे? अरे मुझे क्यों गम होने लगा श्रुति का, अच्छा हुआ बला टली। वैसे तुम किसी सुकेश का नाम ले रही थी, कौन है ये सुकेश? क्या तुम्हारा कोई पुराना आशिक है क्या? क्या बकवास कर रहे हो आयुष, तुम भी ना, वो श्रुति के सामने ऐसे ही बोल दिया था। मैं झूठ बोल रही हो तुम? देखो तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, मैं खुद पता कर लूंगा। आयुष है वो, मैंने वो 10,000 मांगे थे तुमसे, अरेंज हुए क्या? नहीं यार अभी नहीं हो पा रहा है, सैलरी आने तो फिर ले लेना 10,000। आयुष मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे वो पैसों की जरूरत है, तुम समझ क्यों नहीं रहे? अरे ऐसे भी क्या जरूरत आ गई कि तुम सैलरी तक वेट नहीं कर पा रही हो? नहीं बताओ मुझे जानना है तुम्हें क्यों चाहिए थे सारे पैसे। तुम्हें हमेशा वजह बतानी पड़ेगी, तो ही दोगे पैसे वरना नहीं दोगे। हाँ नहीं दूंगा, जाओ क्या कर लोगी? अरे मुझे तो पता चले कि क्या करोगे तुम इतने सारे पैसों का। आयुष तुम एक पति की तरह बिहेव कर रहे हो जो तुम मेरे हो नहीं, और अगर तुमसे नहीं बन पा रहा है, तुम नहीं करना चाहते तो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊं। देखो गुंजन तुम्हें जो करना है वो करो,
वैसे भी मैं तंग आ गया तुम्हारे रोज रोज के बकवास से। मैं बकवास कर रही हूँ, मैं बकवास कर रही हूँ और मुझसे तंग हो गए हो तुम। तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो, मतलब ही कहीं के बस अपना फायदा देखते हो और कुछ नहीं। मुझे पता था तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला है, इसीलिए मैं खुद चला जाता हूँ यहाँ से। गुंजन आंखें खोलो, गुंजन आंखें खोलो। शर्मा, पंचनामा भरो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ये आपकी पत्नी? नहीं सर, मेरी गर्लफ्रेंड थी। पिछले एक महीने से हम दोनों रिलेशन में रह रहे थे। कल किसी बात पे हमारी बहस हो गई और गुस्से में मैं अपने दोस्त के घर चला गया, और जब सुबह वापस आया तो देखा वो यहाँ मरी पड़ी थी। किसी पर शक आपको कौन कर सकता है? ये सर इसके पति जितेन के ऊपर, वो अक्सर यहाँ आया करता था और गुंजन को ले जाने की धमकी दिया करता था। सर वो इसे बहुत परेशान करता था, मुझे तो पूरा शक है कि उसी ने ऐसा किया होगा। कल मैंने उसको धमकाया भी था कि तुम गुंजन से दूर रहो, हो सकता है उसी ने किया हो। पति मतलब ये पहले से शादीशुदा थी और आपके साथ लिव इन में रहती थी? जी सर, मैं और गुंजन पिछले एक साल से रिलेशन में थे और ये बात इसके पति जितेन को भी पता थी, इसलिए वो इस पर गुस्सा करता था और इस चक्कर में गुंजन उसे छोड़कर मेरे साथ रहने लगी। गुंजन ने डिवोर्स फाइल किया था, अगले हफ्ते उसकी सुनवाई भी थी। अच्छा, जितेन के अलावा कोई और जो ये कर सकता है? सर एक लड़की और है श्रुति करके, वो भी इसी मकान में रहती है। कल गुंजन ने उसे घर से धक्के मार के बाहर निकाला था, हो सकता है उसने भी ऐसा किया हो। ठीक, आप पंचनामे पर साइन कर दीजिए। शर्मा जी, जितेन और श्रुति की डिटेल्स निकालो और पूछताछ के लिए बुलाओ। और हाँ, इस आयुष की भी कुंडली निकालो, इसकी कॉल डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, लोकेशन सब चाहिए मुझे। जी सर। हाँ सर, मैं उससे मिलने जाया करता था, मैं उसे अपने घर वापस आने के लिए कहता था। आखिर पति हूँ मैं उसका, उसे मैं किसी और के साथ कैसे जाने दूँ, वो भी इतनी आसानी से। और इसलिए तूने उसे मार दिया? हाँ नहीं सर, ये सच नहीं है। मैं तो गैराज में काम करता हूँ, जीत गैराज में। मैं कार मैकेनिक हूँ और मैं कल पूरी रात अपने गैराज में था। आप चाहे तो वहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं। देख, तू जितना शरीफ बनने की कोशिश कर रहा है ना, उतना शरीफ तू है नहीं। और एक बात बता, ये अचानक से ऐसा क्या हुआ कि गुंजन तुझे छोड़कर उस आयुष के साथ चली गई? सर मैंने उसे कुछ नहीं किया है, मैं तो उससे उससे बहुत प्यार करता था सर। दरअसल ये 10 साल पहले की बात है, जब मैं और गुंजन एक दूसरे से मिले थे एक फैक्ट्री में। हम दोनों साथ में काम करते थे, वहीं हम दोनों के बीच प्यार हुआ और हम दोनों ने शादी कर ली। हम शादी बाद बहुत खुश थे, लेकिन उसी बीच उसके ज़िंदगी में आयुष आ गया और उसके बाद वो मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया, मुझसे नफरत करने लगी। सर एक दिन मैंने उसे उसके साथ देख लिया, फिर मुझे बहुत गुस्सा आया, मेरी बहुत लड़ाई हुई, मैंने उस पर हाथ उठाया, फिर उसे बहाना मिल गया मुझसे दूर जाने का और वो मुझे छोड़ के चली गई आयुष के साथ, जैसे वो अपने पहले पति को छोड़कर मेरे पास आई थी। पहला पति मतलब तुमसे पहले भी उसका एक पति था? जी सर, लेकिन इस बारे में वो कभी खुल के बात नहीं की, बस सिर्फ इतना बताया था कि उस पति से उसके 3 बच्चे हैं, इसके अलावा उसने कभी कुछ नहीं बताया सर। सर मैं अपनी मर्जी से थोड़ी गई थी वहाँ, मुझे तो सुकेश ने वहाँ भेजा था ताकि मैं गुंजन और आयुष के बीच में फूट डाल सकूँ। ये सुकेश गुंजन का पति है ना?
जी सर, और उसने मुझे इस बात के बहुत अच्छे पैसे दिए थे। वो तो गुंजन को सब पता चल गया, वो लैंडलॉर्ड है ना, उसने सब कुछ बता दिया, तो गुंजन ने मुझे घर के बाहर फेंक दिया था। जी हाँ सर, मैं गुंजन का पहला पति हूँ। करीब 20 साल पहले हमारी शादी हुई थी। उस शादी से हमारे 3 बच्चे हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन शुरू से ही गुंजन शादी में खुश नहीं थी। हर बात उसे अपने शर्तों पर करवानी होती थी, हर बात में, हर मामले में उसे मनमानी करनी होती थी। करीब 10 साल पहले अचानक एक दिन मुझे और बच्चों को छोड़ के दिल्ली भाग गई, और दिल्ली आके उस जितेंद्र नाम के आदमी से शादी कर ली उसने। उसके जाने के बाद समाज में बहुत थूत हुई हमारी, रिश्तेदारों के बीच नाक कट गई। हम गांव के जमींदार थे, लेकिन लोगों के बीच गर्दन झुक गई हमारी उस गुंजन की वजह से। और उस बेइज्जती का बदला लिया तुमने 10 साल बाद उसे जान से मार के। नहीं सर, मैंने गुंजन को नहीं मारा है सर, यकीन मानिए हम जमींदार लोग हैं। उसे अगर मारना ही होता तो उसी वक्त मार देता। वो घर से भागे थे, एक वो डेस्टिनी प्रारब्ध मान के भुला चुका था उसे। लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान का बनाया जो समाज है, ये समाज ही इंसान को चैन से जीने नहीं देता है। सर हमारा बड़ा बेटा शादी के लायक हो गया है, उसकी शादी के लिए मैं लड़कियां देखने लगा। कई बार अच्छे घरानों के रिश्ते भी आए, लेकिन जैसे उन्हें पता लगता कि लड़के की माँ ऐसे भाग चुकी थी, उन्होंने शादी से मना कर दिया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि अगर किसी तरह से गुंजन घर वापस आ जाती है तो शायद हमारे बेटे की शादी आसानी से हो जाएगी। और इसीलिए उसको मनाने के लिए, उसको समझा बुझा के घर वापस लाने के लिए मैं उससे मिलने गया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी 10 साल बाद? मेरी याद कैसे आई? अपने बेटे के लिए आया हूँ, हमारे बेटे के लिए। तुम्हें कुछ होश भी है? कितना बड़ा हो गया वो, शादी के लायक हो गया है, मगर उसकी शादी हो नहीं पा रही है तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। अच्छे अच्छे घरों के रिश्ते आए, लेकिन जब उनको पता चलता है कि लड़के की माँ कहीं भाग गई थी, दूसरी शादी रचा ली थी, तो वो लोग शादी से साफ इनकार कर देते हैं। गुंजन देखो, मैं तुम्हें इसलिए घर ले जाने आया हूँ, कुछ दिनों के लिए सही, मेरे साथ अपने घर वापस चलो। एक बार हमारी बेटी की शादी हो जाए, उसके बाद जो मन में आए करना, जहाँ चाहे चली जाना, मैं नहीं रुकूंगा तुम्हें, मैं प्रॉमिस करता हूँ। बट कुछ दिनों के लिए चलो मेरे साथ घर। वाह सुकेश जी वाह, एक तो 10 साल बाद मेरी याद आई है, वो भी मजबूरी में। हाँ मजबूरी में, एक जवान बेटे का मजबूर बाप में, मुझे चिंता है अपने बेटे की। और तुमने कोई ऐसा महान काम भी नहीं किया था कि तुम्हारे पीछे पीछे भागा हुआ था मनाने के लिए। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार भी सोचा तुमने मेरे बारे में, मेरे घर की इज्जत के बारे में, अपने उन मासूम 3 छोटे-छोटे बच्चों के बारे में? नहीं सोचा ना? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, तुम्हारा भी बेटा है। माँ हो तुम उसकी, माँ होने के नाते तुम्हारे भी कुछ फर्ज हैं उसके प्रति। तो चलो, मेरी नहीं तो कम से कम अपने बेटे की खातिर मैं विनती करता हूँ, उस दिनों के लिए घर चलो प्लीज। मेरा ना कोई पति है और ना कोई बेटा, समझे? जिन रिश्तों को मैं 10 साल पहले दफना चुकी हूँ ना, उन्हें जिंदा करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। तो अब जाओ यहाँ से, समझे? क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी के बेटे की शादी हो या ना हो। खड़े क्यों हो? जाओ। लेकिन जब गुंजन ने मेरी एक नहीं सुनी तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। फिर मुझे लगा कि अगर किसी तरह से उसका आयुष के साथ ब्रेकअप हो जाए तो हो सकता है कि मेरी बात उसके समझ में आए और वो घर आने को तैयार हो जाए, क्योंकि उस जितेंद्र को तो वो पहले ही छोड़ चुके थे। और इसलिए मैंने प्लान करके एक मकसद के साथ श्रुति को उसके घर भेजा था कि वो दोनों के बीच फूट डलवा सके। लेकिन सर, हमेशा की तरह गुंजन शातिर निकले, बड़ी चालाकी से उसने सब कुछ पता कर लिया और मेरा प्लान फेल हो गया। कल रात कहाँ था तू? कल अपने घर में, अपने बच्चों के साथ, मेरठ में। देखिए सर, आपको जो कुछ भी पता करना है सच यही निकलेगा, क्योंकि सच्चाई ये है कि मैंने गुंजन का कत्ल नहीं किया है। मुझे नहीं पता सर उसकी किसी से क्या दुश्मनी थी, किसने उसकी हत्या की है, लेकिन सच तो यही है कि वो जैसी भी थी
मेरे तीन बच्चों की मां थी। मुझे अफसोस है उसकी मौत का। याद आ रही है गुंजन की? सर आप यहां? हां, मुझे गिरफ्तार करने आए हैं गुंजन के कत्ल के जुर्म में। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर मैंने गुंजन का खून नहीं किया है। एक आयुष, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। तेरे घर के पास जो एटीएम है ना, उसका सीसीटीवी फुटेज चेक किया हमने। हमें पता चला कि उस रात तो तू घर से बाहर निकला ही नहीं था। और फिर हमने तोड़ा तेरे उस फ्रेंड को जिसको तूने कहा था कि वो पुलिस को कहे कि उस रात तू उसके घर था, तो थप्पड़ में उसने सब कुछ उगल दिया। तेरे लिए अच्छा यही होगा कि सच सच बता दे कि तूने गुंजन को क्यों मारा। देख आयुष, गुंजन को क्यों मारा जल्दी से बता देना, वरना जेल तो तू बाद में जाएगा, 6 महीने तुझे अस्पताल में गुजारने पड़ेंगे। बोल क्यों मारा गुंजन को? सर उस रात में अपना आपा खो बैठा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं गुंजन को मारना नहीं चाहता था। आयुष, आयुष कहाँ जा रहे हो तुम इस वक्त? तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? हाँ, जब मैंने अपने पति की नहीं सुनी तो तुम्हारा क्या सुनूंगी? मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी, समझी तुम? तो ठीक है फिर, मत करो बात। देखो मैं क्या करती हूँ। मैं खुदकुशी कर लूंगी और फिर तुम जेल में सड़ोगे। बोलो करो खुदकुशी, बोलो क्या हुआ, सांप सूंघ गया, बोलो। हाँ तो कर ले खुदकुशी, मार ले अपने आप को। अरे काट ना, क्या हुआ, डर लग रहा है? अरे मारना, काट, मैं काटू क्या? सर रोज रोज के चक्कर से ना मैं खुद परेशान हो गया हूँ। एक काम करो, तुझे आज मुक्ति दे ही देता हूँ, बहुत शौक है ना खुदकुशी करने का। सर मैं आवेश में आ गया था, मैं उसको मारना नहीं चाहता था, बस गुस्से में मेरा हाथ उठा और उसका गला दब गया, और जब मुझे होश आया तब तक वो मर चुकी थी। इसलिए पुलिस से बचने के लिए मैं अपने दोस्त के यहाँ जाके छिप गया था। सर मैं सच कह रहा हूँ, ये सब कुछ जाने अनजाने में हुआ, मैं गुंजन को मारना नहीं चाहता था। सर पछताने से क्या फायदा, इस गुस्से और आवेश की वजह से ना जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद होती हैं। 2 मिनट का गुस्सा और इतनी जिंदगियां तबाह। चलो इसे।